नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे दी मार्स मेलो एक्सपेरिमेंट। आज हम दुनिया की सबसे फेमस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की गई एक केस स्टडी के ऊपर बात करेंगे। यह पढ़ना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि कईयों के लिए तो ये सिर्फ सपना ही रह जाता है। ठीक है, 40 साल की लंबी केस स्टडी प्रोफेसर वॉल्टर मिशेल द्वारा की गई थी। दोस्तों, ज़्यादातर हम यही सोचते हैं कि मार्स मेलो यानी एक एंड्रॉयड वर्जन है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये एक मिठाई है जो आपको यूरोप के देशों में और अमेरिका कनाडा में ज़्यादा खाई जाती है, और वहाँ ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसकी शोध फॉरेन में हुई है। ये कोई हमें ज़्यादातर ऐसा लगता होगा कि जब भी हम सोचते हैं मार्स मेलो हमारे इंडिया में, कि भाई ये कोई आईटी से रिलेटेड कोई केस स्टडी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल केस स्टडी है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स। दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे आसान भाषा में, मैं आपको बताऊंगा इस केस स्टडी के बारे में। सो फ्रेंड्स, प्रोफेसर और उनकी टीम ने रेंडमली 100 चिल्ड्रंस को सिलेक्ट किया और कॉलेज के क्लासरूम में बिठाया और सभी बच्चों से कहा कि आपके टेबल के ऊपर हमने प्लेट में मार्शमेलो की टॉफ़ी रखी हुई है। ऐसा कहकर अपनी दो शर्तों को सामने रखा। डियर चिल्ड्रंस, आई लीव द क्लास फॉर 15 मिनट्स। You have to free to eat sweets when I leave the class, but if you not eat, then I will give double sweets to you. दोस्तों, अब मैं हिंदी में बोलूँगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि प्रोफेसर ने बच्चों को बताया कि 15 मिनट के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, आपको मिठाई खाने की छूट है, लेकिन अगर आपने मिठाई नहीं खाई तो मैं आपको डबल मिठाई दूंगा। दोस्तों, रिजल्ट ये आया कि कुछ बच्चों ने अपनी भावना को कंट्रोल किया। सम चिल्ड्रंस आर एब्जॉर्ब देयर इमोशंस। फिर जब ये बड़े हो गए, तब इनके पेरेंट्स के द्वारा इन लोगों के कांटेक्ट किए गए और यह देखा गया कि जिन बच्चों ने स्वीट्स नहीं खाई थी, उनमें से ज़्यादा बच्चे फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग थे। दे एबल टू गिव बेटर रिस्पॉन्सिस टू देयर स्ट्रेस, बेटर सोशल स्किल्स एज रिपोर्टेड बाय देयर पेरेंट्स, एंड जनरली बेटर स्कोर्स इन द रेंज ऑफ अदर लाइफ। जो बच्चों ने मिठाई नहीं खाई थी, अपने इमोशंस को, अपनी भावना को कंट्रोल किया था, वो अपने स्ट्रेस को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पा रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मिठाई नहीं खाई थी। ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों का जीवन परिवर्तन भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर यही पाया गया कि जो बच्चों ने मिठाई नहीं खाई थी ना, वो फिजिकली और मेंटली बहुत ही स्ट्रांग थे, ठीक है। उनके मार्क्स तो अच्छे आते ही थे, और सभी पहलुओं में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्ज़ाम में, वो स्पोर्ट्स में भी आगे थे, वो ज़्यादा एक्टिव थे, वो आलसी नहीं थे, ऐसा इस केस स्टडी में देखा गया। दोस्तों, यहाँ पर फिर मैं बता देना चाहता हूँ कि ये एक पेशेंस की बात है, ग्रेटिफिकेशन की बात है। आप देख सकते हो ये स्टैनफोर्ड जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी की ये केस स्टडी है, इसलिए ये हवा में हुई बात नहीं है। ये पब्लिश की गई थी 1971 में। दिस पॉपुलर स्टडी बिकम नोन एज द मार्स मेलो एक्सपेरिमेंट, बट इट वॉजन द ट्रीट दैट मेड इट फेमस। ठीक है, ये उतनी फेमस नहीं हुई। द इंटरेस्टिंग पार्ट कम्स ईयर्स लेटर। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताया कि ये इंटरेस्टिंग पार्ट्स जो बाद में आया, कुछ सालों के बाद, जब स्टूडेंट्स को, बच्चों को, चिल्ड्रंस को कांटेक्ट किया गया और देखा गया कि नहीं, वास्तव में ऐसा हुआ है कि बच्चों ने ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाया है, जिन लोगों ने अपनी इमोशंस को अपने चाइल्डहुड में कंट्रोल किया था। ठीक है, तो ये सब पेशेंस की बात है, ग्रेटिफिकेशन की बात है। द पावर ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ये सब वही बात है। आप पॉज करके भी देख सकते हो। अगर आप मुझे पता है कि ये UPSC और GPSC और सभी राज्यों की स्टेट PCS का एक सिलेबस का ही पार्ट है, इसे एथिक्स में ही आता है। ठीक है, अभी हमारे शास्त्रों में भी और हमारे देश में हम एक चीज़ ज़्यादा बोलते हैं, सब्र का फल मीठा होता है। हमारे माँ बाप भी हमें बोला करते हैं कि सब्र कर, अभी टाइम नहीं है, अभी तो छोटा है, अभी तो बड़ा हो जा, फिर मैं तुझे बाइक दिलाऊँगा, फ़ोन दिलाऊँगा। ठीक है, नो पेन नो गेन, जिम में ये बोला जाता है भाई, नो पेन नो गेन।
अक्सर जिम में बॉडी ट्रांसफॉर्म है वही लोग कर पाते हैं जो कि डाइट को कंट्रोल में लगते हैं। वो लोग जो ज़्यादातर खाने के बारे में सोचते रहते हैं, वो सीधे वर्कआउट के बाद सीधे खाने पीने की शॉप में चले जाएंगे और सारा वर्कआउट पानी में बहा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है। लेकिन ये सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है दोस्तों, कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका, कनाडा, ये लोग शास्त्रों की बातों को अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसलिए ये लोग ज़्यादा इंजीनियरिंग में आगे है। इंजीनियरिंग मीन्स अप्लाइड साइंस, ये ज़्यादा आगे है साइंस को, लिटरेचर को ही अप्लाई करते हैं और तब भी मानते हैं। ये ब्लाइंड नहीं है, ये फिलोसोफर्स की भावना है वो वहाँ ज़्यादा है। ठीक है, फिलोसोफर्स यानी कि कुछ बातों को जल्दी एक्सेप्ट ना करना, चीज़ों को एनालाइज करना, अप्लाई करना और फिर मानना, उन लोग को फिलोसोफर कहा जाता है। जैसे कि हमारे इंडिया में भगवान बुद्ध एक फिलोसोफर है, चाणक्य, ये सब बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर रह चुके हैं। इन्होंने वो बात तब भी की थी, लेकिन इन लोगों ने मॉडर्न टाइम पे ये अप्लाई किया। ये बात क्या आज भी प्रूफ हो रही है, तो इस स्टडी केस स्टडी से हमें प्रूफ होता है कि ये बात आज भी सही है। ठीक है, और महाभारत में श्री कृष्ण ने भी महा अर्जुन को बोला था कि अर्जुन हमारे पास अभी टाइम नहीं है, अभी वो समय नहीं आया है, युद्ध करने में अभी समय है, सब्र रख, हम जरूर कामयाब होंगे और हम जरूर सत्य पे विजय पाएंगे, असत्य पे विजय पाएंगे और सत्य की जीत करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे फोकस स्टे हैप्पी। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब मार दीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।